वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का हेरा फेरी 3 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? जब तक हेरा फेरी 3 ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाती तो हम इसे हेरा फेरी 3 ही कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हेरा फेरी 3 के क्लैप बोर्ड पर हेरा फेरी 4 ही लिखा हुआ है। तो उसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए वेट कीजिए। मैंने आपको बताया है किस तरह से सिर्फ हेरा फेरी 3 नहीं बल्कि वेलकम 3 को लेकर भी इरोस एंड जो मेकर्स है यानी कि फिरोज अजयवाला उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। वो जैसे सॉर्ट आउट होती है द लीगैलिटीज आर सॉर्टेड आउट एंड सभी लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर किसी का भाई किसी की जान के रिलीज का, उसके बाद सारी की सारी चीजें जो है वो ऑफिशियल होगी हेरा फेरी 4 को लेकर, उसका प्रोमो, उसके डायरेक्टर। लेकिन हम सभी लोगों को मालूम है, हमने गाइस सेट्स पर से तस्वीरें आई थी अहमद खान की, फराज सामजी की, जहां पर आवारा पागल दीवाना का सीक्वल एंड हेरा फेरी का जो फोर्थ पार्ट है वो बनने वाला है। एंड गाइस वी ऑल नो कि फराज सामजी इज द कैप्टन ऑफ द शिप फॉर हेरा फेरी 4। अब वो कैप्टन शिप आगे ले जाएगा, शिप डुबाएगा, यही डर जो है वो अक्षय कुमार के जो फैंस है, सिर्फ अक्षय कुमार के फैंस ही देखे गाइस। हेरा फेरी जो है वो सिर्फ अक्षय कुमार के फैंस खाली एक्साइटेड नहीं है, कुछ फिल्में होती है जो सिर्फ स्टार के जो फैंस है वही उसके लिए यू नो एग्जैक्टली एक्साइटेड रहते हैं, बाकी न्यूट्रल ऑडियंस को फर्क भी नहीं पड़ता वो फिल्म आए या जाए। हेरा फेरी इज एन इमोशन जिसके लिए सभी लोग एक्साइटेड है, राइट फ्रॉम द न्यूट्रल ऑडियंसेस जो बॉलीवुड को नहीं पसंद करते वो भी एक्साइटेड है। इसीलिए ये फिल्म जो है ना वो एक इमोशन बन चुकी है। फराज सामजी इज गिविंग इंटरव्यूज आफ्टर इंटरव्यूज। वेल फ्रेंड्स, फिल्म रिलीज जब होती है ना तो इंटरव्यूज बहुत सोच समझ के देना पड़ता है, बहुत सोच समझ के। वो इंटरव्यूज आपको आपकी पूरी जिंदगी हॉन्ट कर सकते हैं। यही हुआ था रोहित शेट्टी के साथ जब उसने सर्कस के पहले इंटरव्यूज दिए थे, उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास गवाह है। यहाँ पर फराज सामजी ने कल किसी का भाई किसी की जान के बारे में बोला है कि ऐसा इंटरवल है जो आपके कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पर हेरा फेरी 3 को लेके भी उन्होंने बहुत सारी चीजें जो बात की है। सबसे पहली बात फराज सामजी ने कहा है कि हेरा फेरी 3 जो है अब तक ऑफिशियली अनाउंस हुई नहीं है, जब अनाउंसमेंट आएगी तो आप मिठाई का डब्बा लेके मेरे घर आना और मुझे मिठाई खिलाना। ओके, ये उन्होंने जिस जो इंटरव्यू ले रहा था बंदा उसके लिए कहा है। उसने ये भी कहा है कि आई कैन ओपनली से मेनी थिंग्स, जब अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑब्वियसली फराज सामजी को अलाउ नहीं किया गया है बोलने के लिए कि वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अब क्यों नहीं बोला गया है पता नहीं है, फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस। तो इसके लिए इंतजार कीजिए। एंड उसके बाद सभी लोगों को पता है कि उसके बाद फराज सामजी का जो सीरीज है पॉपकॉर्न आया, जिसके वजह से उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, चाहे वो उनके डायलॉग्स हो, उनके मीम वाले जोक्स हो। कैन यू बिलीव इट, एक सीन में वो गुंडा बाथरूम जाता है और जो पाइप रहता है ना जिससे हम वॉश करते हैं उसको ना उठाते हुए वो गन उठाता है और गोली मार देता है। कहां पर? अभी आप सोच लो कहां पर। अरे ऐसी सीन्स देखकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? हाँ, किसी को भी गुस्सा आएगा। एंड गाइस यहां पर इंडस्ट्री वाले जो है उनका यह कहना है कि आप लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, यानी कि ऑडियंस को कह रहे हैं कि यहां पर इट इज जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड टू ब्लेम हिम इंटायरली। समझ में आ गया? फराज सामजी हैज रिटन फिल्म्स लाइक भूल भुलैया 2 एंड सूर्यवंशी एंड इसीलिए उनको अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। अक्षय कुमार फैंस को कहा जा रहा है कि उनको अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। एंड यहाँ पे फराज सामजी को पूछा कि आपको लगता है कि आपका जानबूझ के टारगेट हो रहे हो आप? तो फराज सामजी कहते हैं, पहली बात तो व्हेन द फिल्म हैज नॉट इवन बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड तो कौन है ये लोग? फराज सामजी कह रहा है कि ये लोग कौन है जब फिल्में ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है तो ये कौन लोग हैं? सेकेंडली, आपने दो वर्ड्स यूज किया आपके क्वेश्चन में, अनफेयर और टारगेट। इसको पूछा गया क्या आपको अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि अनफेयर बोला ना आपने और टारगेट भी वर्ड यूज किया। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, इफ एनीवन हैज अ प्रॉब्लम हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बेटर फिल्म्स बनाने की कोशिश करते हैं, बेटर राइटिंग एंड पंचेज यूज करने की कोशिश करते हैं। हमारा इंटेंशन है टू अपील ऑल काइंड ऑफ ऑडियंसेस एंड उसको एक ऐसी फिल्म बना के दे जो कॉम्बिनेशन है रोमांस का, मसाला, एक्शन, कॉमेडी। मुझे पता है आप लोग का वो गाना जो है ना, मैं पेशेंस यही है। मुझे पता है फैंस ये इंटरव्यू सुन के थोड़ा उनको वो गाना याद आ रहा होगा। रुको, ये वो बोला वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद फैंस ने क्या बोला वो भी पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि हमेशा मैं वीडियो में सिक्के का एक पहला पहलू दिखा के चले आता हूँ, उसके बाद फैंस क्या बोलते हैं वो नहीं दिखाता हूँ, आज दिखाऊंगा मैं। तो ये फराज सामजी ने बोल दिया, उन्होंने कहा कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड विथ मी फ्रॉम माई राइटिंग डेज, इवन डायरेक्टर हाउसफुल 4 इज द बिगेस्ट हिट ऑफ अक्षय कुमार, भूल भुलैया ऑल्सो इज अ बिग सक्सेस। हाँ, अब इसके आगे क्या बोलना।
तो फराज साम जी बोलकर गया कि उसको अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं। उसने सूर्यवंशी लिखी, भूल भुलैया लिखी, हाउसफुल 4 बनाया। मैंने कुछ कमेंट्स है अक्षय कुमार के फैंस के, उनके यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली बात तो एक कमेंट यहाँ पे लिखा है, उन्होंने कहा है कि हाउसफुल 4 जो है पूरी फराज साम जी ने डायरेक्ट नहीं किया था। सभी लोगों को मालूम है साजिद भाई ने, यानी कि साजिद खान ने आधी फिल्म डायरेक्ट की थी। उसके बाद क्या हुआ था, भूल भुलैया 2 में अनीस बज्मी का डायरेक्शन है, एंड उसके बाद आकाश कौशिक भी है वहां पर, इन्होंने उसकी लिखावट की है। और उसके नीचे फिर से कमेंट शुरू हो गए, रिमूव फराज साम जी वी ऑडियो खेर। एक लड़का कहता है कि तुमको टारगेट नहीं कर रहे, तुम्हारी फिल्म के वजह से ऑडियंस टारगेट हो रही है, रिक्वेस्ट गिव अप हेरा फेरी 3। उसके बहुत सारी गालियां भी है जो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ गाइज। उसके बाद एंड गाइज यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हम टारगेट नहीं कर रहे, तू हमको टारगेट कर रहा है अपनी फिल्म से। तेरे जैसी फिल्म तेरे से वो डायलॉग लिखता है तो डायरेक्शन का वी भी नहीं आता, फिल्म का पोटेंशियल तेरे वजह से कम होती है, हेरा फेरी छोड़ दे जाकर। सूर्यवंशी का डायलॉग, सूर्यवंशी तेरे वजह से नहीं चली थी, वो यूनिवर्स के वजह से चली थी, तेरे डायलॉग्स कम पोयम ज्यादा लगते हैं, सेव हेरा फेरी 4। तू क्या कोई सेलिब्रिटी है क्या जो तुझे टारगेट करेंगे, हाँ तू वाहियात डायरेक्टर है, हेरा फेरी 3 से निकल जा फराज साम जी, रिमूव फराज साम जी, तेरे कुछ नहीं है। बहुत कमेंट्स है गाइस इसके अंदर, शर्म करो फराज साम जी, तेरे को शर्म नहीं है, व्हाट्सएप जोक और मीम्स कॉपी करता है, खुद को राइटर डायरेक्टर बोलता है, तेरे जैसा आदमी डायरेक्टर के चेयर पर बैठा नहीं जा सकता। अबे शर्म कर, व्हाट्सएप जोक उठा कर मूवी में रख देते, कितना बेशरम है तू, अनफेयर टारगेट, तेरी पिक्चर देख। वेल फ्रेंड्स दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन, देखा जनता जनार्दन होती है, डू नॉट क्रॉस द लाइन एंड गो अगेंस्ट द जनता। जनता जब बोल रही है कि नहीं चाहते हैं हम वो डायरेक्टर, तो समझ जाओ, सुन लो, नहीं होगा तो फिर क्या ही कर सकते।